दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में 10 फरवरी की रात को बजरंग दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या को लेकर दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐलान किया है कि मंगोलपुरी में मारे गए रिंकू शर्मा मामले में मुकदमा लड़ने के लिए परिजनों को वकील उपलब्ध कराया जाएगा और परिजनों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को रिंकू शर्मा हत्याकांड में आम आदमी पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ऐसी कई घटनाओं से पता चलता है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में केंद्रीय गृह मंत्रालय विफल रहा है। आप नेता दुर्गेश पाठक ने आरोपियों को फांसी की सजा की मांग करते हुए कहा कि घटना को सांप्रदायिक रंग देने से बचना चाहिए। वहीं आप नेता सोमनाथ भारती ने ट्वीट कर कहा कि अगर पुलिस का उपयोग जनता की सुरक्षा और अपराधियों के मन में डर बैठाने के लिए होता तो आज रिंकू हमारे बीच होता। दोषियों को कठोर सजा मिलनी चाहिए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार से चर्चा करें। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक कीजिए और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब कीजिए।